हेलो निरंजन नाचो निरंजन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। आज है शिवरात्रि। सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। आज हम सब मंदिर जा रहे हैं। तो ये मंदिर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निर्मण में, देवढांग मंदिर। तो हम सब वहाँ जा रहे हैं। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। वहाँ जाने के लिए हमें सिर्फ 1 घंटा लगता है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर चलो मैं आपको दिखाती रहती हूँ और वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अर्थ से हाय। हाय, इधर तो देख ले प्लीज। हाय बाकी अभी हम रुके हुए आधे में। यहाँ पर भी पीछे एक मंदिर है, वहाँ पीछे को मंदिर है, तो हम बाहर रुके भी थोड़ी देर। बाकी गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जैसे आप नीचे नीचे के लिए आते जाएंगे रामपुर की साइड, तो गर्मी ज्यादा बढ़ती रहेगी। मैं आज से पहले कभी नहीं गई। अर्थ गया है? रियांश गया है पहले? नहीं, तो हमारा फर्स्ट है। अर्थ तो लास्ट ईयर भी गया हुआ था। तो जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि वहाँ शाम को जगराता होता है। तो फिर उस टाइम बहुत सारे लोग होते हैं और बाकी सुबह ही चले जाते हैं लोग, तो 4-4, 5-5 बजे, ताकि टाइम से दर्शन हो जाए। बाकी अर्थ बताएगा लास्ट ईयर इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छे से रहा? बता सकते? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस ये है कि वहाँ पे लाइन में 5-5-6-6 घंटे रहना पड़ता है। हाँ, अगर लेट हो जो सुबह जल्दी चल जाए उनकी बारी आ जाती है 1-2 घंटे में। बैठना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा पीछे। अभी वहां पहुंचना है हमें ऊपर वाया मंदिर। और गर्मी इधर इतनी ज्यादा है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी गर्मी होगी। अभी तो हम आधे में पहुंच रहे हैं, हमारी हालत खराब, बहुत स्वेटिंग हो रही है और लोग भी बहुत सारे हैं। हम तो भी जा रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे लोग वापस भी चले गए हैं। ऊपर को दिखाई दे रहा है, ऊपर लाइन लगी है, अभी ऊपर तक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जब मर गया यही तो लग रही थी। ऊपर को नहीं मिलेगा पानी और क्या है। अब
बताई ब्रुमो अब चलियो तुआर बहन तू काटी दे तुआर बहन तू अब से तू नहीं लग रहा पटिका काफ़ी अच्छा है और ड्यू आर मैं तो फ्री हो गई क्योंकि फीमेल की लाइन उतनी लंबी नहीं थी, मेल की लाइन ज़्यादा लंबी थी तो हम जल्दी फ्री हो गए। अभी हम जा रहे हैं नीचे, वैसे तो हमने एक डेढ़ घंटा और वेट किया ऊपर घर वालों का, पर उन लोगों को टाइम लगेगा अभी। तो फिर ड्यू आर मैं दोनों फ्री हो गए, अभी जाएंगे हम यहाँ से नीचे वाले मंदिर, वहाँ वेट करेंगे। अभी यहाँ पर जाना है हमें, यहाँ वाले मंदिर पर हम आए थे वहाँ रोड से। तो भी जिस मंदिर में हम गए थे वहाँ से तो आ गए दर्शन करके, और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वहाँ मेल फीमेल के अलग अलग लाइंस लगी हुई थी, तो मेल में तो बहुत ही ज़्यादा थी बट फीमेल में उतना रश था नहीं। तो फिर अभी रास्ते में एक और मंदिर है यहाँ पर, तो वहाँ पर रुके हुए अभी हम। क्यों हंस रहे? हमने स्लाइस ली हुई थी और इतनी गर्म हो गई है ना, बहुत ज़्यादा गर्म उबल रही है, और यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही। इतनी सोची नहीं थी हमने कितनी ज्यादा गर्मी होगी बट गर्मी बहुत ही ज्यादा है। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ आज शिवरात्रि स्पेशल डिनर क्या क्या बना है। इसमें कढ़ी है, इसमें चावल है, इसमें कटहल बना हुआ है, और यहाँ पर मीठे में गुलाब जामुन है, मैं बनी है सेपा बड़ी, और यहाँ है मटर पनीर बने हुए सन से यहाँ पर, जो कि स्पेशल शिवरात्रि के टाइम ही बनता है। ये मीठे पकवान है, और ये भल्ले है, और ये मालपुड़े है, एंड कांगे ये नमकीन पकवान है। तो इनमें नमकीन स्टफिंग की भी होती है, और ये होते हैं ये गुड़ के बने होते हैं। Yeah।
रोमा।